इस समय लॉकडाउन में जहां सभी स्टार्स अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहीं ऋतिक रोशन अपनी एक्स वाइफ सुजैन खान और दोनों बच्चों के साथ क्वारंटीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वहीं इस बीच खबर सामने आई कि ऋतिक रोशन ने लॉकडाउन के बीच किराए पर एक नया फ्लैट खरीदा है। जी हाँ, ऋतिक के फ्लैट के रेंटल एग्रीमेंट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है। खबरों की माने तो ऋतिक जिस फ्लैट में रहते हैं उसका रेंट 8 लाख से ज्यादा है। जी हाँ, स्क्वायर फीट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने हाल ही में लॉकडाउन के बीच जुहू में एक फ्लैट किराए पर लिया जो इस्कॉन मंदिर के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक इस फ्लैट का पर मंथ 8.25 लाख रुपीज देते हैं और ऋतिक ने 18 जून 2020 को अपार्टमेंट के लिए जरूरी अग्रीमेंट की फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। उन्होंने रेनू नीरज कोचर से अपार्टमेंट किराए पर लिया था और उनके अग्रीमेंट का समय 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक का है, यानी कि इस फ्लैट में रहने के लिए ऋतिक ने 5 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन मजेदार और शॉक करने वाली बात यह है कि इस फ्लैट का रेंट 3 साल के बाद 9 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगा, यानी ऋतिक 3 साल बाद इस फ्लैट के लिए 9 लाख रुपए हर महीने देंगे। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन पिछले कुछ समय से यहाँ रह रहे हैं और माना जाता है कि अक्षय कुमार भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ ऋतिक फैमिली के साथ हैं। और इस बात की कंफर्मेशन हाल ही में जनता कर्फ्यू के दिन सामने आई जब इन दोनों की वीडियो वायरल हुई। दोनों एक साथ अपनी बिल्डिंग पर चढ़कर लोगों को घर में रहने की अपील के साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहे थे। अब ऋतिक के आलीशान फ्लैट की इनसाइड पिक्चर्स देखने के लिए फैंस जरूर बेसब्र हो रहे होंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।